नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो सुजलॉन स्टॉक ने आज फिर से एक अच्छी मूव की है, तकरीबन 3% ऊपर क्लोजिंग दिया। स्टॉक ने 8.15 यानी कि 8 लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 8 लेवल पे देख सकते काफ़ी बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, पर आज देख सकते कि ब्रेकआउट दिया अच्छा और 8 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। मीन्स 8 लेवल के ऊपर सस्टेन होता है स्टॉक तो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जैसे कि 25 पैसे ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे। स्टॉक आज गैप अप से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो है स्टॉक यहाँ पे देख सकते कि कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते कि दो रेंज के बीच में ट्रेडिंग देखने को मिली थी। एंड ऑफ द डे यहाँ पे 808.10 लेवल को ब्रेक किया और यहाँ पे हाई के साथ यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है 8.15 पे। तो मार्केट कैप जो है स्टॉक का वो है 11.44 करोड़ का, पी रेशियो है 3.74 का। तो बाकी के जो डिटेल है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते स्टॉक के लिए चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे, दो एक से देगी चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो रिसेंटली आज एक बाउंस बैक तो हो चुका है। स्टॉक 8 लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग दिए, जो कि यहाँ पे पिछले 2 दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था स्टॉक ने। पर इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो ब्लू कलर का लाइन है 200 मूविंग एवरेज है, वो 825 के करीबन है, उसका रेजिस्टेंस लगता हुआ नजर आ जाएगा। गैप अप से स्टॉक ओपन होता है कल यहाँ पे 825 के ऊपर, तो स्टॉक में थोड़ी सी तेजी बनेगी अच्छी और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज सपोर्टिव एक्ट हो सकता है और अगला जो रेजिस्टेंस लग सकता है 8.70 के करीबन लग सकता है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है स्टॉक। तो और वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट होने चाहिए, अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते तो एक अच्छी मोमेंटम नजर आ सकती है।